जब छोटी मोटी तेज की भूख लगी हो, बच्चों की टिफिन देनी हो और नाश्ता बनाने की जल्दी हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सुपर फास्ट, बहुत ही टेस्टी, वेरी इजी ब्रेकफास्ट नाश्ता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कटोरी भर गेहूं के आटे से बनाएं पौष्टिकता से भरपूर हेल्दी नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सीमा, स्वागत करती हूं आपका अपने कुकिंग चैनल में। ये देखें वेज मसाला चपाती में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमने 3 बॉयल आलू छील के रखे हैं। 3 बॉयल आलू लिए हैं हमने। बारीक कटे हुए प्याज 1 प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर 1 टमाटर, कुछ धनिया पत्ती बारीक कटे हुए, चॉप किए हुए अदरक 2 टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, यहाँ पे एक बाउल लेंगे बड़ा सा। यहाँ पे कद्दूकस करेंगे हम अब बॉयल आलू को। सबके एक बाउल में कद्दूकस कर लेंगे। बहुत सुपर टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें इसे। अब बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। अब बारीक कटे हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे, अदरक डालेंगे, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता ऐड करेंगे, एक बाउल, इसका वेट माने तो 200 ग्राम करीब आटा, गेहूं का आटा है, 2 चम्मच शुद्ध घी, स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसे हल्के हल्के पानी डाल के इसे अच्छे से एक घोल तैयार कर लें। ऐसा पेस्ट तैयार करें घोल, न ज़्यादा मोटा हो न ज़्यादा पतला हो। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, गैस को करेंगे ऑन। इससे आसान नाश्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे सुबह की तेज वाली भूख हो, चाहे शाम की छोटी सी भूख हो, बच्चे का टिफिन हो। झटपट में बनाए, जल्दी में मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है भेज चपाती चीज। ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है। आप एक बार बनाएंगे, बच्चे बड़े सब बार बार बनाने का जिद करेंगे और इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिना झंझट झटपट में बनने वाला नाश्ता है। इसे बटर से ग्रीस करें पैन को। अब इसमें घोल को डालें और कलछी के पीछे से इसे पूरे फैलाएं। इसे छलनी से पलट दे या हल्के हाथ से झटके से पलट दे इसे। फिर इसे कुछ देर के लिए ढक दे, 2 मिनट के लिए। अब यहाँ तैयार है चीला, एकदम हेल्दी पौष्टिक। सेकेंड चीला भी तैयार हो गया मेरा फ्रेंड्स। तैयार है वेज चीला चपाती। इसे चटनी के साथ, दही के साथ, रायता के साथ, टमाटर की चटनी, सॉस, जिसके साथ आप खाना पसंद करें। देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार हुआ है। इसे ट्राई ज़रूर करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।